उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 4000 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। इसके लिए शासन स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी मदरसों को अवैध फंडिंग मिलने और इनकी इमारतों के अवैध होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि मदरसा बोर्ड के परीक्षाओं के बाद इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के बाद सरकार ने इनसे 12 बिंदुओं पर जवाब मांगे थे। इसमें एक सवाल ये भी था कि मदरसों की आय का स्रोत क्या है और ये किस तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और इनकी मान्यताएं नहीं ली गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से तमाम मदरसे उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर के पास स्थित थे। इसमें सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच जिले के करीब 2000 मदरसे शामिल थे। इसमें से तमाम मदरसों ने यह बताया था कि उनके मदरसे चंदे और जकात से चल रहे हैं, लेकिन करीब 4000 मदरसों के विदेशों से पैसे लेने की बात भी सामने आई थी। विदेशी फंडिंग की बात सामने आने के बाद इन मदरसों के कनेक्शन बांग्लादेश, नेपाल और दुबई के तमाम इलाकों से मिले थे, जिसके बाद सरकार ने इन सभी पर एक्शन करने की तैयारी शुरू की थी। अब माना जा रहा है कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन सभी मदरसों पर एक्शन करेगा। इसे लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन सरकार फिलहाल अवैध फंडिंग वाले मदरसों पर सख्ती करने की तैयारी में है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।